नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हूँ स्वीकार। आपके साथ मैं हूँ सुनीता राय शर्मा। भगवान शिव, जिन्हें महादेव कहिए या महाकाल, उन्हें काशीपति कहिए या बाबा विश्वनाथ, या फिर पुकार लीजिए नीलकंठ के नाम से, उनका हर नाम और हर रूप से जुड़ी है एक अनोखी शक्ति। हम महादेव के कई नामों से उनको हम पुकारते हैं, जिसमें एक नाम शंकर भी है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ज्योतिषी कहते हैं कि महादेव यानी कि शिव जी ने शंकर की रचना की है। आखिर उनकी आराधना शिवलिंग के रूप में क्यों होती है? इस रहस्य और कुछ और रहस्यों से चलिए पर्दा आज हम उठाते हैं। आज हम आपको महादेव के रहस्यों के बारे में बताते हैं। अनंत महादेव, यूं तो भगवान शिव के रहस्य को समझ पाना इंसान के वश में नहीं, लेकिन वेदों, पुराणों और जानकारों ने भगवान शिव के बारे में जितना भी कुछ बताया है, वो सब शिव के लिंग रूप का अद्भुत रहस्य है। शिवलिंग का अर्थ है शिव का आदि अनादि स्वरूप। शिवलिंग साकार और निराकार ईश्वर का प्रतीक मात्र है। ये सत्य है, भगवान शिव लिंग रूप में ही जगत में प्रतिष्ठित हैं। और यह शिवलिंग इस प्रकार बना कि जब सृष्टि की रचना हुई तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों में ये बहस होने लगी कि इसमें श्रेष्ठ कौन है। और जब उनमें बहस होने लगी तो भगवान शिव ने एक बिंदु का रूप लिया जो अग्नि के गोले के समान था, और वह पता करने के लिए कौन बड़ा है, ब्रह्मा विष्णु से कहा कि दोनों पता करो इसका आदि और अंत कहाँ है। तो दोनों देवता पता नहीं कर पाए, और अंत में ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मैंने पता कर लिया आदि और अंत का, लेकिन वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि आकाश से लेकर पाताल तक पूरा शिवलिंग विराजमान था। इस प्रकार शिवलिंग की उत्पत्ति बहुत ही सुंदर ढंग से हुई है, जो पूरे विश्व में लिंग के रूप में भगवान प्रतिष्ठित है। महादेव का निराकार स्वरूप है शिवलिंग, जिनके दर्शन पाकर हम धन्य हो जाते हैं। भगवान शिव निष्कल यानी निराकार हैं। उनका ना कोई स्वरूप है और ना ही आकार, इसीलिए वो निराकार है। केवल शिव ही निराकार लिंग के रूप में पूजे जाते हैं। भोलेनाथ ही एक ऐसे भगवान हैं जो शिवलिंग के रूप में इस धरती पर विद्यमान हैं। आदि और अंत न होने से लिंग को शिव का निराकार रूप माना जाता है, जबकि उनके साकार रूप में भगवान शिव मानकर पूजा जाता है। अद्भुत है शिवलिंग का रहस्य। ये संपूर्ण सृष्टि बिंदुनाथ स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाथ शिव, यही सबका आधार है। शिव का संयुक्त रूप ही तो शिवलिंग में अवस्थित है। बिंदु यानी ऊर्जा और नाथ यानी ध्वनि, यही दो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। शिव का अर्थ है परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। शिवलिंग का रहस्य है कि मतलब शिव का अर्थ होता है कल्याण और लिंग का अर्थ होता है प्रतीक सृजन। यह शिव जो कल्याणकारी है, संसार के उत्पत्ति का कारण है, इसलिए इसको आदि अंत कहीं भी आप देख लीजिए तो लिंग रूप में भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं। और यह बहुत विशेष चीज है कि यह आज से नहीं, 3500 वर्ष पूर्व ईसा की सभ्यता के समय भी जो मिट्टी के बर्तन इत्यादि मिले हैं उसमें शिवलिंग का प्रतीक मिला है। इतना प्रामाणिक है शिवलिंग का रहस्य, इसमें कोई इसको बदल नहीं सकता। भोलेनाथ ही समस्त जगत के मूल कारण माने गए हैं, इसीलिए शिव मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। शिव के वास्तविक स्वरूप से अवगत होकर जागृत शिवलिंग का अर्थ होता है प्रमाण।
वेदों और वेदांत में लिंग शब्द सूक्ष्म शरीर के लिए आता है। अद्भुत है शिवलिंग का रहस्य। ये सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों से बना है। मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 वायु। वायु पुराण के अनुसार प्रलयकाल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः सृष्टि काल में जिससे प्रकट होती है उसे लिंग कहते हैं। शिव के भक्त उन्हें अलग अलग नामों और रूपों में पूजते हैं। कहीं वो लिंग के रूप में पूजे जाते हैं तो कहीं भगवान शिव के नाम से उन्हें पुकारा जाता है। शिव के हर नाम का अलग अर्थ और महिमा है, तो चलिए आपको बताते हैं शिव नाम का महत्व। देखिए, भगवान शिव के तो बहुत नाम है, सहस्त्र नाम भगवान शंकर के हैं, हर देवताओं की सहस्त्र नामावली है, तो भगवान शिव के भी सहस्त्र नाम है। लेकिन उसमें बहुत से नाम, जैसे नीलकंठ भगवान का नाम है, अनादि, एक नाम इनका अनादि भी है कि जो जिसका आदि न हो जिसका अंत न हो, ऐसे भगवान को अनादि भी कहते हैं। और इनके तो हजारों नाम हैं, किन नामों का वर्णन हम करें, हजारों नाम है, हर नाम के अलग अलग गुण भगवान के हैं। ऐसे देवता जिसमें इनमें एक विशेषता है, शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है, शिव विष्णु को भजते हैं, विष्णु शिव को भजते हैं, इसलिए इनके हजार नाम हैं और हर नाम के रहस्य अलग अलग हैं और अलग अलग फलदायक हैं। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी या शुभकारी। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शी का अर्थ है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ देने वाला यानी दाता। शिव का नाम शंकर के साथ जोड़ा जाता है, जबकि इसमें भी गूढ़ रहस्य छिपा है। तो चलिए आपको शिव शंकर के रहस्य की झलक भी दिखाते हैं। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश के लिए 3 शक्तियों की रचना की। ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 सूक्ष्म देवों की रचना की है। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी एक रचना। भगवान शिव को इसीलिए महादेव भी कहा जाता है। शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना और पूजा जाता है। शिव को जितना समझने की कोशिश की जाती है वो उतने ही अबूझ जान पड़ते हैं, क्योंकि शिव को समझ पाना इंसान के वश की बात ही नहीं। शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के अनुसार जो कुछ भी हमें पता है हम वही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जानिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा जाता है। तो अपने हर स्वरूप में भगवान भोलेनाथ करते हैं भक्तों का महाकल्याण। महादेव ने नीलकंठ स्वरूप के साथ कैसे ये रहस्य जुड़ा हुआ है, शिव को अर्धनारीश्वर क्यों कहा गया, इसका भी है एक खास रहस्य। देखिए, हैं उनको ना तो कोई विपदा घेर सकती है ना कोई बाधा परेशान कर सकती है, क्योंकि शिव में ही सब शुरू होता है और शिव में ही होता है सबका अंत। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है और इसका भी है रहस्य। अर्धनारीश्वर का रहस्य है कि भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना करी तो पुरुष नारी दोनों को बनाया, लेकिन ब्रह्मा जी को विचार आया कि जब यह सृष्टि समाप्त होगी तो पुरुष और नारी दोनों कहीं रहेंगे नहीं, मेरे सृष्टि में सीजन का ये क्या होगा। उन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की और भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रकट हुए तो अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, आधा पुरुष आधा नारी। उन्होंने समझाया कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों का अपना अलग महत्व है। इस प्रकार भगवान अर्धनारीश्वर का प्रादुर्भाव ब्रह्मा जी के सामने हुआ, उसके बाद भगवान अर्धनारीश्वर अंतर ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी को सृष्टि का रहस्य समझ में आ गया। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया। ये शिव ही है जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता शिव और शक्ति के ही स्वरूप है। इनके मिलन और सृजन से ये संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक हैं। ये बताता है कि शिव जब शक्ति युक्त होते हैं तभी समर्थ होते हैं। शक्ति के अभाव में शिव शिव न होकर शव रह जाता है।
हमारे यहाँ कहा गया है शक्ति के बिना शिव सौ के समान है। अगर शक्ति नहीं है, आप शिवलिंग देखते हैं उसमें जो नीचे अर्घा होता है जिसको जलधरी कहते हैं उसको हम शक्ति कहते हैं। अगर उस शिवलिंग के नीचे से आप उसको हटा दीजिए तो शिवलिंग स्थिर नहीं हो पाएगा। तो वो जो शक्ति है वो बिना उसके शिव रह ही नहीं सकते। शक्ति और शिव का समन्वय जब होगा तब वो शिव शक्ति के रूप में सृष्टि का सृजन करेंगे, सृष्टि का कल्याण करेंगे, क्योंकि शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। शिव माने कल्याण। महादेव शिव शंकर अविनाशी हैं, उनसे ही ये सृष्टि गतिमान है, उन्हीं से रात है और उन्हीं से दिन, शिव से ही सूर्य और चांद है, इसीलिए शिव को समझ पाना तो संभव ही नहीं। लेकिन देवाधिदेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है अब हम आपको बताते हैं। प्राचीन काल में समुद्र मंथन से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला, उस विष की अग्नि से दसों दिशाएं जलने लगी, समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव विषपान के लिए तैयार हुए। शिव ने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु ने उस विष को शिव जी के कंठ में ही रोक कर उसे प्रभावहीन कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद शिव जी संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में सर्वप्रथम हलाहल विष निकला, सभी भयभीत हो गए, देवता असुर सब भयभीत हो गए, सब त्राहिमाम करते हुए भगवान महादेव के पास गए और भगवान महादेव ने उस हलाहल को संसार की रक्षा के लिए उस विष को पी लिया। और जब विष पी लिया तो उन्हें हृदय में ध्यान आया कि हमारे हृदय में तो भगवान स्थित हैं, भगवान राम स्थित हैं, और उन्होंने अपने कंठ में उस जहर को रोक लिया। इसी से भगवान का कंठ नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ हो गया। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ही शक्तियां सृष्टि की रक्षा के लिए तत्पर हैं और तीनों को एक ही कहा जाता है, इसीलिए हर क्षण और हर पल शिव का सुमिरन कीजिए, आपके जीवन पर महादेव की कृपा बनी रहेगी। हम आपको परब्रह्म महादेव से जुड़े रहस्यों के बारे में बता रहे हैं, तो चलिए भोलेनाथ के कुछ और दिव्य रहस्यों को आप तक पहुंचाते हैं। माँ गौरी और शिव शंकर के एकाकार होने से बनता है शिव का गौरी शंकर रूप। इस रूप की उपासना से मिलता है सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद। गौरी शंकर के मंत्र के जाप से शादी में आ रही हर अड़चन दूर हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर रूप में भगवान शिव। हमारे यहाँ कहा जाता है संस्कृत में, तनमे मनः शिव संकल्पमस्तु। जो संकल्प भगवान शिव के नाम को लेकर किया जाता है वह संकल्प सिद्ध होता है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं रामचरितमानस में संकल्प करते हैं, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। उसी प्रकार भगवती पार्वती का भी संकल्प है, बरऊ संभुनत रहूं कुमार। इसीलिए हमारे संसार में शिव संकल्प की बहुत महिमा है, शिव संकल्प से सारे कार्य मनुष्य के सिद्ध होते हैं और शिव संकल्प अटल संकल्प होता है। माँ गौरी और शिव का संयुक्त रूप है गौरी शंकर स्वरूप। इस स्वरूप की उपासना से शीघ्र विवाह होता है। गौरी शंकर स्वरूप में शिव दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाते हैं। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं गौरी शंकर। गौरी शंकर रूप की पूजा का मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। शिव के हर रूप से अलग वरदान मिलता है, शिव के नाम में हर समस्या का समाधान मिलता है। तो बस भोलेनाथ के इन रूपों की उपासना कीजिए और अपने सारे तनाव सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो भोले बाबा भर दें आपका भंडार, यही हमारी प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ फिलहाल हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप जरूर बने रहिए जीएनटी के साथ।